हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद शुमोना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज अभी कितना बज रहा है वो मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ। और नहाने से पहले, मतलब मैं जब उठी थी तब 4:45 बज रहा था। और इतना जल्दी क्यों नहा लिया है आज? आज बहुत खास दिन है मेरे लिए, और मतलब खुशी देख के आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तब तक आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आज क्या है। तो अभी उठ के नहा लिया है और मम्मी को नहीं बुलाया अभी, क्योंकि मम्मी ना थोड़ा सा कल लेट में सोई थी और थोड़ा सा तैयारी करके सोई थी। आज कुछ लेकर हमें कहीं पर जाना है, इसलिए घर में ना बहुत काम था। तो रात को हम लोग कल सोए थे 1:30-2 बजे, तो इसलिए मम्मी को अभी नहीं बुलाया। मैंने गर्म पानी किया उठ के, उसके बाद अभी तैयार हो गई हूँ। और अभी बनाना है हमें खाना, मतलब अभी 40-50 लोगों के लिए हमें खाना बनाना है, तो इसलिए तैयारी बहुत। आप सोच सकते होंगे कि कितना तैयारी करना पड़ा। और सौजन ने अभी सो रही है, उसको नहीं बुलाया है मैंने, क्योंकि इतना जल्दी उठ के ठंडी के टाइम वो क्या करेगी। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन पे, और किचन वगैरह तो मेसी थोड़ा सा होके रखा है। मम्मी ने रात को बर्तन तो धो के रख दिया था, लेकिन फिर भी गैस स्टोव वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी। और अभी हम लोग सुबह जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर बंगाली में दक्षिणेश्वर मंदिर बोलते हैं, हिंदी में दक्षिणेश्वर मंदिर बोलते हैं, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे, और हमने पता किया है कि सुबह से ही मंदिर जो है ना वो खुल जाता है, और ऑटो लेकर जाएंगे, पापा ही भी जाएंगे साथ में, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सुबह थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पर, और पूजा वगैरह दे के फिर आएंगे थोड़ा सा लेट करके। तो चलिए, मैं अभी जो तैयारी है, बहुत सारी ढेर सारी तैयारी करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, और तब तक आप गेस कीजिए मेरा आज क्या है, ठीक है? उसके बाद बताऊंगी। जो मेरे पुराने फ्रेंड है शायद उनको पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बट एक स्पेशल डे है ये बता सकते। तो चलिए चलिए अभी पहले मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी उठ जाएगी, उसके बाद मम्मी के लिए गर्म पानी भी बिठा दूंगी। मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि हमारे घर में बहुत मच्छर हैं। देखिए अभी रात के टाइम ना और ज़्यादा होता है, मतलब शाम के बाद से। तो यहाँ पर बर्तन तो मम्मी ने धो के रख दिया था, लेकिन गैस स्टोव हमने साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं गैस स्टोव जो है वो साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मम्मी चाय पियेंगी, तो मम्मी को चाय बना के दूँगी। मैं तो कुछ नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे देना है पूजा वहाँ पर। तो चलिए मैं गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर लेती हूँ अभी। सब्जी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे आलू दम, दम आलू बनाएंगे। तो इसके लिए मम्मी ने यहाँ पर 4 किलो आलू जो है ना वो काट के रख दिया है, और ये अभी बनाएंगे। यहाँ पर है टमाटर, मटर देंगे थोड़ा सा, इसमें अदरक है यहाँ पर, और मिर्ची, मिर्ची इतना नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम कर देंगे। और ये बनाने के बाद पूरी का आटा भी गूंदना है, उसके बाद पूरी भी तलना है। तो काफ़ी जल्दी फास्ट मोशन में आज काम है ना, फास्ट मोशन में करना है। आप हर बार बोलते हो ना सुमना तुम बहुत फास्ट हो, तो आज सच में ही मेरा दिखाना पड़ेगा मैं कितनी फास्ट हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई में मम्मी डालेंगी तेल, और क्या होगा इतनी छोटी सी कढ़ाई में 4 किलो आलू तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें आलू फ्राई करके अलग से रख देंगे, उसके बाद ये जो पतीला है ना इसमें बनाएंगे। तो मैं ये देखो, तो अभी मैं अदरक और मिर्ची जो है वो पेस्ट बना लूँगी। इतना सा मटर छिला है हमने, 2 किलो यहाँ पर मटर है, और छिलका देखिए इतना सारा छिलका, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये अलग से था, 2.5 किलो लेकर आया था भाई, तो आधा किलो यहाँ पर है, और 2 किलो का छिलका, मतलब मटर जितना नहीं है उतना छिलका है। Thank you.
अभी बाहर पूरा साफ नहीं हुआ है। मम्मी ने बोला था कि फूल जितना है ना वो उठा के लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है फूल नहीं मिलता है हमें, और आज भगवान जी को चढ़ाएंगे इसलिए फूल तो चाहिए। अभी एक ट्रेन भी आ रहा है, पता है आपका आवाज़ सुनाई दे रहा है ना। अदरक और हरी मिर्ची जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया है, और धनिया ज़ीरा पाउडर तो ऐसे ही पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आलू को जो है ना मैं एक बार फ्राई कर चुकी हूँ और एक बार मैंने पिठा दिया है, आधा आधा करके करेंगे ना तो ये सही होगा, नहीं तो एक बारी में इकट्ठा मैं ज़्यादा दे देती ना तो ये फ्राई भी नहीं होता अच्छे से और नरम हो जाता, क्योंकि ये दोनों टाइप में आलू होता है ना, हमारे इधर दो टाइप में आलू होता है, एक ज्योति आलू बोलते हैं एक चंद्रमुखी आलू बोलते हैं, तो ये चंद्रमुखी आलू है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके अभी फ्राई करके ले लूँगी। उसके बाद जो है ना मसाला थोड़ा सा भून के इसके अंदर मसाला डाल दूँगी, और आलू फ्राई होने से ना मसाला ग्रेवी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सूखा बनेगा ये। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है सारा फ्राई हो चुका है अभी मेरा, तो इस पर मैंने कढ़ाई पर जो तेल था ना उसके अंदर ही मैंने डाल दिया है ज़ीरा, ज़्यादा करके ज़ीरा, तेज़पत्ता और सूखा मिर्ची डालने के बाद, और इसके अंदर डाल दिया 7-8 टमाटर जो मम्मी ने कट करके रख दिया था, उसको डालने के बाद टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होगा, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर जब सॉफ्ट हो गया उसी टाइम मैंने डाल दिया है मटर, और मटर को हल्का सा भूनने के बाद मैंने जितने भी मसाले हैं जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, हरी मिर्च तो डाला ही था क्योंकि हरी मिर्च से थोड़ा सा तीखा होगा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ना थोड़ा सा कलर जो है ना अच्छा आ जाता है, और अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दिया है नमक। एक चीज़ के बारे में बताना भूल ही गई थी, अदरक जो पेस्ट बनाया था ना वो भी मैंने डाला था, और अभी देखिए मसाले से जो है ना तेल छूटने लगा है, तो अभी आधा आधा करके मैं आलू जो है वो डाल दूंगी, लेकिन मम्मी बोल रही है यहाँ पर, मम्मी पूरी का आटा जो है ना वो अभी गूंध रही है, तो मम्मी बोल रही है ये कढ़ाई में होगा नहीं अच्छे से, तो मैं अभी शिफ्ट कर दूंगी, जो हांडी मैंने दिखाया था ना उस हांडी में सारा जो आलू है वो शिफ्ट कर दूंगी, और आलू वैसे तो सॉफ्ट हो चुका है लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें देना पड़ेगा। सब्जी जो है मेरा रेडी हो चुका है, अभी लास्ट में मैं दे दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, और आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ग्रेवी है, तो मम्मी ने बोला है थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना आलू सूख लेता है, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। मम्मी ने सोचा था कि 5:30 बजे के अंदर हमारा जो खाना है ना वो बनाना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी 5:30 बजने में बस 10 मिनट बाकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारा आटा, अभी देखिए पूरी अभी फ्राई करना बाकी है, तो इतना सारा पूरी फ्राई करने के बाद फिर हमें पैकिंग भी करना है खाने को, तो देखते हैं कितना टाइम पे होगा, लेकिन टाइम तो अभी लग रहा है क्योंकि 4 हाथों से काम कर रहे, फिर भी जैसे काम ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से घर का काम भी बाकी है, और इतना सुबह उठे थे ना कि झाड़ू पोछा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, और सबसे पहले हमने सोचा कि खाने का काम जो है ना वो निपट लेते हैं, इसलिए घर का काम नहीं हुआ है, और जो भी हो इतना सारा जब कर लिया है घर का काम भी पक्का कर लेंगे और सब कुछ करके ही जाएंगे। मैंने और मैंने एक गलती किया है, वो है हमने पूरी जो है ना वो काउंट नहीं किया था, तो हम जिस कारण के लिए बना रहे हैं तो वो ही अगर आधा अधूरा रह जाए तो वो काम सफल नहीं होगा, तो इसलिए मम्मी को मैंने बोला था काउंट करने के लिए और मम्मी ने मुझे बोला था, देखिए ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा यही सबसे बेस्ट आइडिया है कि पूरी को काउंट किया जाए, और मैंने पूरी को काउंट किया था उस टाइम और ज्यादा ही हुआ था, भगवान की कृपा से कम नहीं हुआ।
सबसे बड़ा काम जो था वो है खाना बनाने का, वो काम हो चुका है। मम्मी और पापा दोनों मिलके पैकिंग जो है खाने का वो कर दिया है। सबसे बड़ा जो था टेंशन था, जब तक कोई भी काम चाहे हो, चाहे वो छोटा बड़ा कुछ भी हो, जब तक वो सॉल्व ना हो जाए ना, तब तक एक टेंशन रहता है ना, तो वो था। लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को ज़्यादा टेंशन रहता है, और भगवान की कृपा से सारा कुछ हो गया है। बस हम लोग, मतलब पापा मम्मी और मैं, ये तैयार हो जाएंगे, और भाई तो नहा के फिर सोया है, क्योंकि भाई का था ड्यूटी, वो ड्यूटी से आके सो गया है। और उसको, भाई भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसका, जब तक हमारा काम ख़त्म होगा ना, तब तक उसका थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। और अभी मैं बाहर लगा ली हूँ झाड़ू, और थोड़ा सा पानी डाल के आंगन जो है सामने वो धुल दिया है। जितना भी आप सज लीजिए, अभी इस टाइम में मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो लिपस्टिक जो है ना, वो मतलब हाई रेंज का हो या लो रेंज का हो, वही कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। लोग अभी हो गए हैं तैयार, सुबह से सारा काम करके अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं, और आपको भी घुमा के लेकर आते हैं, हम भी घूम के आते हैं, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारा कुछ दिख जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तो चलिए हमारे साथ घूम के आएंगे।